आजमगढ़ के अतरौलिया ग्राम ओमपुर निवासी कुछ लोगों ने गांव के ही एक अन्य से जमीनी विवाद होने के कारण प्राथमिक विद्यालय ओमपुर का रास्ता रोक दिया, जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित तो होते हुए अपने घर चले गए। कोरोना काल के दौरान लंबे समय से बंद चल रहे विद्यालयों में पठन पाठन काफी प्रभावित हुआ। ऐसे में शासन के निर्देश पर एक बार पुनः विद्यालय खोलने का फरमान जारी हुआ तथा पठन पाठन शुरू कर दिया गया। इसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई में कई अड़चनें आ रही हैं। आज के घटनाक्रम की सूचना मीडिया कर्मियों द्वारा उप जिलाधिकारी को दी गई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार ने पहुंचकर मामले को तत्काल निस्तारण कराते हुए विद्यालय खुलवाकर पुनः पठन पाठन शुरू कराया। आइए सुनाते हैं अनिल वर्मा और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। आमिरपुर में प्राथमिक विद्यालय पर कुछ लोगों ने रास्ता अवरोध कर दिया था, उसके बारे में आप आए हैं यहाँ बताइए। हाँ, यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे जनार्दन वर्मा और उनके विपक्षी कई अन्य लोग हैं, तो उन लोगों का ये विवाद था कि ये बाग की जमीन है साहब, ये जो स्कूल का रास्ता जानता है हमारे बाग में है, तो इसके कारण जो है बाग क्लियर न होने के कारण इन लोगों ने आज थोड़ी गलती करके बच्चों का जो जिस मार्ग से वो अपने स्कूल जाते थे उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। हम आए मौके पे इसमें रास्ता खुलवा दिया और यहाँ पे मौजूद टीचर लोग उपलब्ध हैं, बच्चे तो आज स्कूल से चले गए, लेकिन इस विवाद का निस्तारण के लिए हमने इन लोगों को, कुछ लोग इसमें दीवानी का मामला भी दिखा रहे हैं कि हमने इस पे दीवानी किया है। हमने बुधवार को समय दिया है 10 बजे के आसपास जो है लोग एसडीएम साहब से मिलके अपने सारे कागजात दिखाएंगे और कागजात दिखाने के बाद इन लोगों के बीच जो सुलह समझौता का प्रयास होगा या अगर ये लोग राजी होते हैं तो पुनः नापी करा के इन लोगों का मामला क्लियर करके इस रास्ते को शीघ्र निर्माण करा दिया। 2004 से विद्यालय बना है। हाँ। क्या अभी तक इनके विद्यालय में जाने का रास्ता, कैसे विद्यालय पास हो गया, हर किसी की जमीन से जाने आने का रास्ता कैसे दे दिया गया? ये विद्यालय पास हुआ उस समय रास्ता जरूर पीछे साइड से बना हुआ है, लेकिन चूंकि विद्यालय के ज्यादा बच्चे इस रास्ते से जाते हैं और मेरा अपना ये मानना है कि विद्यालय को चारों तरफ से रास्ते होने चाहिए, लेकिन इधर पीछे वाले जो रास्ते बने हुए हैं वो मैंने देखा, वो उधर से रास्ता तो है लेकिन उधर से जंगल उंगल होने के कारण बच्चे के लिए सर्वसुलभ रास्ता यही था, जो सर्वसुलभ रास्ता उसमें ये लोग विवाद कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है विद्यालय के लिए पीछे से रास्ता है, लेकिन उधर से मैक्सिमम बच्चे जो है इधर से जाते हैं, यहीं पे विवाद हुआ है। जैसा कि सर बताइए इन्होंने अवरोध रोका था और आज विद्यालय बच्चे नहीं आए, क्या पठन क्या फिर से चालू हो गए, बच्चे फिर से आए? हाँ, बच्चे अभी उपलब्ध तो नहीं हो पाए क्योंकि बच्चे एक बार चले जाते हैं तो फिर विवाद था, तो मैं आया तो यहाँ टीचर सारे उपलब्ध हैं और मैंने अभी प्रधानाचार्य जी से कहा कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको बुला के अपना जितना शिक्षण पाठ पाठ हो कार्य शुरू कर दिया जाए। अनिल कुमार वर्मा है, आमेपुर। सर ये प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए रास्ता था, जाते आते थे, आप लोगों ने अवरोध कर दिया, क्या मामला है पूरा बताइए। आगे हमारी जमीन है जो है उसमें झगड़ा चल रहा है, जो है झगड़े के लिए हम लोग जो है एप्लीकेशन दिए थे और जमीन कंप्लीट नहीं हो पा रही है हमारे लिए जो है। प्राथमिक स्कूल कब बना था? अब तो ये पता नहीं है लेकिन काफी दिन पहले बना था, 10-12 साल लगभग हो गया था। बच्चे कैसे जा रहे थे स्कूल? हमारे बाग से जा रहे थे, रास्ता था नहीं, वैसे जा रहे थे मानवता के साथ। मतलब कि स्कूल जब बना था रास्ता वहाँ से कहीं बना नहीं था, नहीं आपकी जमीन से सब जा रहे थे। जी, तो आपने किसी को सूचना दिया कि हम रास्ता बंद करने जा रहे हैं? जी, आप क्या आप हाँ तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया था। तहसीलदार क्या एप्लीकेशन दिया था? जी, कब दिया था एप्लीकेशन, डेट बता दो, क्या तारीख है? 6 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया। 6 तारीख को हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे। तो आप लोगों को क्या मांगे? आप लोगों ने रास्ता रोक दिया, छोटे छोटे बच्चों तो हम, हाँ रास्ता रोका जा रहा है, तो उसमें हम लोगों का यही है कि हमारा कंप्लीट करा दिया जाए, रास्ता जहाँ से हो उसमें ले लिया जाए रास्ता। तो प्राथमिक विद्यालय बन गया आज लगभग 20 साल से जो भी बना हो, जी इससे पहले क्यों नहीं आपने रोका कि यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, आपने पहले क्यों नहीं रोका? जैसे हमारा जो है जमीन पहले कम्प्लीट नहीं था तो हम लोग आज कम्प्लीट करना चाहते हैं, तो रास्ता भी दे रहे हैं, हम उसमें देंगे रास्ता लेकिन हमारी जमीन कंप्लीट हो जाए तब। कौन रोका आपकी जमीन, कौन लग झगड़ा लड़ाई कर रहा है आपकी जमीन से? हमारी जमीन में एक जनार्दन वर्मा है जो है रोक रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ बहुत ही एप्लीकेशन दिए हैं। क्या कहते हैं जनार्दन वर्मा, कितनी जमीन आपकी रोक रहे हैं? 14-20 जमीन है, उसमें कुछ कब्जा किए हैं और नेपाल साहब कानून साहब जो है आकर जो है उसमें नाप उपकर बताए थे, खूटा उटा उखाड़ दे रहे हैं। अच्छा, खुद औकार दे रहे हैं जी। आपने जैसे कहा कि प्राथमिक विद्यालय कम से कम 10-15 साल से बना है जी, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं पास हुआ था जी? नहीं, रास्ता नहीं है।